गोरखपुर के बियादी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कांड के बाद चर्चा में आए डॉक्टर कफील खान को योगी सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। बियादी में हुई बच्चों की मौत के मामले में ही ये कार्यवाही की गई है। पिछले साल भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए कफील पर रासुका लगाकर जेल भी भेजा गया था। हाईकोर्ट से रासुका रद्द होने पर उनकी रिहाई हो सकी थी। यूपी के प्रमुख चिकित्सा शिक्षक सचिव आलोक कुमार ने डॉक्टर कफील की बर्खास्तगी की पुष्टि करते हुए बताया था कि जांच में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। अभी तक निलंबित चल रहे डॉक्टर कफील को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से संबद्ध किया गया था। प्रमुख सचिव कुमार ने बताया कि ये मामला क्योंकि अदालत में चल रहा है, इसलिए बर्खास्त किए जाने के संबंध में अदालत में जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि गोरखपुर के बियादी मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2017 में ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद 22 अगस्त को डॉक्टर कफील को निलंबित कर दिया गया था। तभी से उनके खिलाफ जांच चल रही थी। फिलहाल इस मामले को लेकर तमाम तरह के बयान सामने आते रहे हैं, लेकिन अहम बात तो ये है कि आखिरकार डॉक्टर कफील को योगी सरकार ने बर्खास्त कर दिया।